एक देसी पिस्टल सहित एक जिंदा कारतूस के साथ चार आरोपी हुए गिरफ्तार। सिवनी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीडी शर्मा, एसडीओ पुरुषोत्तम मराबी के मार्गदर्शन में बंडोल थाना प्रभारी राजेश कुमार दुबे द्वारा थाना क्षेत्र में तत्परता से कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर 1 अक्टूबर को नेशनल हाईवे 44 फिल्टर प्लांट के पास नाकाबंदी कर ट्रक क्रमांक MP04HE1890 में 42 नग गौवंश बैल क्रूरतापूर्वक भरकर परिवहन करते पाए गए गौवंश व ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें चार आरोपी सहित एक देसी पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस आरोपियों के पास से बरामद किया गया है, जिस पर बंडोल पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इस कार्यवाही में बंडोल थाना प्रभारी राजेश कुमार दुबे, एएसआई राजेंद्र नागवंशी, अशोक सेन, प्रधान आरक्षक अमरोही के आरक्षक राजेश सरयाम, दीपेश रघुवंशी, सतीश पाल, राकेश मार्को, सुधीर डहरिया, प्रदीप चौधरी, सैनिक दसराम भलाबी, डायल 100 वाहन चालक यशवंत नामदेव का सराहनीय योगदान रहा। जिला सिवनी थाना बंडोल, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह साहब के कुशल मार्गदर्शन में, एडिशनल साहब एसडीओपी साहब के निर्देशन में बंडोल थाना पुलिस द्वारा आज प्रातः 1 अक्टूबर को गोवंश से भरा ट्रक जो जबलपुर तरफ से आ रहा था और नागपुर तरफ जा रहा था, उसको NH44 पर विधि संगत तरीके से रोका गया, जिसमें अवैध 42 नग गोवंश भरे थे। उसके अंदर चार आरोपी सब्बीर, शाहरुख, उस्मान और कल्ला थे, जो तलाशी के दौरान आरोपी शाहरुख के पास से एक देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। चारों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी शाहरुख के बारे में भोपाल पुलिस से भी मेरे द्वारा संपर्क किया गया, जिसका वहां पर आपराधिक रिकॉर्ड है, और आरोपी कल्ला जो कि मोहखेड़ थाना छिंदवाड़ा में उसका स्थायी गिरफ्तारी वारंट है, तो विधिवत कार्रवाई उपरांत न्यायालय पेश इन लोगों को किया गया है, जहां से उनको जेल दाखिल किया गया है।